हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपनी यूट्यूब चैनल कॉमर्स बिजनेस में। और आज हम लोग ऋण पत्र के अगले के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके लिए सॉल्व करेंगे। सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो पांचवा है, जो क्वेश्चन हमने कल स्किप कर दिया था। ओके, इसलिए किया था क्योंकि ये इस क्वेश्चन को बहुत ही धीरे धीरे और समझा करके सॉल्व कराना था। ओके, और इस क्वेश्चन को पूरी ऊर्जा के साथ देखिए, इसको तैयार कर लीजिए। ओके, तो ऋण पत्रों के जो क्वेश्चन हैं बहुत ज्यादा टप वाले नहीं आते हैं, सिंपली आता है जिस तरह का मैं पढ़ा रहा हूं। अगर टप वाला आता तो उसके अथवा में कुछ ना कुछ और लगा हुआ होगा। तो देखो मैं आपको समझाता हूं, क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इस वाले ऊपर लिखा जाता है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ करके जो कंपनी का नाम होता है वो लिख दिया जाता है, लेकिन हम यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं जिससे बुक हाथ से हटा देते हैं, उससे समझ में बहुत अच्छा आता है। हम आराम से पूरा यहीं से फिर वर्ड कवर कर लेते हैं। देखो इस वाले कॉलम में लिखा जाता है भाई डेट, इसमें लिखा जाता है पार्टिकुलर्स। ओके, यहां लिखा जाता है एल एफ, यहां लिखा जाता है अमाउंट, और यहां पर भी लिखा जाता है क्या अमाउंट। ठीक है, अमाउंट और अमाउंट, चलिए मैं समझाता हूं। लिखा हुआ है एक कंपनी ने 100 रुपए वाले 2006% ऋण पत्रों का निर्गमन 1 जनवरी 2014 को किया, तो डेट तो यहां पर 1 जनवरी 2014 आ ही जाएगी, जाहिर सी बात है। कितने 2000 को किया है, 2006% डिवेंचर, ये परसेंट जो लगा होता है इसका मतलब है कि पूरे साल में दो बार इनको 6% ब्याज मिलेगा। ठीक है, जिनका भुगतान निम्न प्रकार से होना है और जो ऋण पत्र हैं वो कितने हैं 100 वाले हैं, डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ 100 है, मांगा है 10 रुपए आवेदन पर और उसी समय 30 रुपए आवंटन पर जो तुरंत दे था। ओके, और कह रहा है कि 20 रुपए प्रथम याचना पर है और कितने 40 रुपए अंतिम याचना पे है, तो जोड़ के देखेंगे 100 हो रहे हैं क्या, 40, 20, 60, 30, 90 और 10, 100। कभी कभी पूरे नहीं होते तो एक काली छुपी हुई होती है। ओके, उसको भी ध्यान रखेंगे। हर कॉल का जो अपना टाइम बता रहा, ठीक है, अयाचित मांगों पर अग्रिम प्राप्त धन पर 5% ब्याज दिया जाएगा जो अंतिम याचना के बाद दिया जा सकेगा। यानी अगर कोई व्यक्ति हमको एडवांस में पे करता है तो हम उसको इंटरेस्ट भी देंगे, उसकी जगह एंट्री करेंगे। ठीक है, कंपनी को सब निर्गमित ऋण पत्रों के लिए आवश्यक आवेदन राशि प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उनका आवंटन कर दिया गया। 600 ऋण पत्रों पर आवंटन के साथ अंतिम याचना तक की पूरी राशि प्राप्त हुई है। ठीक है, और निर्गमन की शर्तों के अनुसार अतिरिक्त प्राप्त धनराशि अगली याचनाओं के लिए समायोजित करने के लिए रोक ली गई। सब मांगे निश्चित तिथि की गई और उनका रुपया भी प्राप्त हो गया और कंपनी के पुस्तकों में आवश्यक जन्म प्रविष्टियां कीजिए। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है भाई। यहाँ पर 600 अंशों का, यहाँ का भी 600 अंशों का एडवांस मिल गया। कैसा मिल गया? एडवांस कितने अंशों पर? 600, सॉरी अंश नहीं है, ऋण पत्र है। किस पर? ऋण पत्रों पर। इस तरह से एडवांस मिल गया है। ठीक है, चलिए हम जगह एंट्री करते हैं। पहली जगह एंट्री होगी बिना मांगे, बिना कुछ सोचे समझे, बैंक अकाउंट डेबिट होता है 2.6% डिवेंचर की पूरी फॉर्मूला लिख के, डीईबी हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, डिवेंचर क्या एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, नरेशन में लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी received on 2000 डिवेंचर एट द रेट, दिखा देंगे कितने रुपए दर से मिली है। ठीक है, चलिए लाइन खींच दीजिए, डेट यही रहेगी 1 जनवरी 2014 है। ठीक है, और अमाउंट डालेंगे 2000 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो भैया 2000 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा अमाउंट कितना, 20,000। ठीक, इसका ट्रांसफर कर देंगे डिवेंचर अकाउंट में, तो 6% जो क्रेडिट होता वही डेबिट लेते हैं। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% कैपिटल की जगह पे डिवेंचर्स लिखते हैं, डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, चलिए एक सिर्फ डिवेंचर लिखो यहां पर, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 6% डिवेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। नरेशन करेंगे वी क्या एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू डिवेंचर्स अकाउंट, लाइक लिख दीजिए कितना, 2000 की 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी कितने होते हैं 6, 60,000 और यहां पर भी कितना 60,000। ठीक है, अरे अभी कहां यार, अभी तो यही था 20,000 था। ठीक, 20,000
और 20,000, कहां दिमाग पहुंच रहा है हमारा भी। तो इस तरह से ये अमाउंट आपकी यहां पर पड़ चुकी है। इसके बाद में आपको करना है 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% क्या डिवेंचर्स अकाउंट, नरेशन में लिखेंगे बीइंग 6% डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू, ओके, और अमाउंट लिख देंगे, डेट भी यही है, बता रहा है कि सेम डेट है, ठीक है। 30 रुपए इधर से 30 दूनी 60 होते हैं, ये हो गया 60,000 और ये हो गया कितना 60,000। इसके लिए हम प्राप्त करते हैं किसके द्वारा, बैंक द्वारा, एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू 6% डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है। अब एक चीज हो रहा है, सॉरी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट लिखेंगे भाई, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट जिसका एडवांस मिल रहा है, उन काल्स का ही हम यहां पर नाम लिख देते हैं, और कुछ टीचर्स होते हैं काल्स एडवांस करके लिखवाते हैं, लेकिन हम वहां पर उसी काल का नाम पहले से ही डाल देते हैं। देखो यहां पर एडवांस में मिल रहा है फर्स्ट काल का, तो 6% डिवेंचर कौन सी, फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो 6% डिवेंचर कौन सा, सेकेंड कॉल अकाउंट, नरेशन में लिखेंगे बीइंग अमाउंट ऑन अलॉटमेंट रिसीव्ड, ओके, रिसीव्ड करके यहां पर ऐसे दिखा देंगे। अमाउंट डालना सीखो, कितने रुपए से पड़ेगा, 2000 की 30 से गुणा करी थी तो हमारे 60,000 तो आए थे, तो जो जितना यहां पर डेबिट है उतना तो क्रेडिट होना ही होना है, 60,000 तो मिल ही रहे, लेकिन किसी व्यक्ति ने 600 अंशों पर 6 दूनी 12,000 तो हमें दे दिया यहां पर एडवांस, 6 चौक कितने होते हैं 24,000 दे दिए हैं यहाँ के एडवांस, यानी फर्स्ट काल और सेकंड काल का पैसा एडवांस में मिल रहा है, तो हम यहां पर डाल दे रहे हैं उन कालों का नाम जिस जिसका हमने एडवांस में ले लिया है, ठीक है, डेट यही रहेगी, ठीक है। अब डेट बदलेगी क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट वो बता रहा है कि उसी समय हो गया था, ठीक है। आगे कह रहा है प्रथम याचना जो 20 रुपए से है 1 अप्रैल 2014 को की गई थी, यानी फर्स्ट अप्रैल 2014 को क्या करेंगे 6% डिवेंचर कौन सी, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर्स अकाउंट, नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल मनी क्या करेंगे ड्यू, ओके ड्यू, ठीक। और यहां पर जब ड्यू करेंगे फर्स्ट कॉल है 2000 की 2 से 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 दूनी होते हैं कितने, अरे इसका टोटल रह गया 60, 10 70 और 20 90 और 4 2 6 96,000 रुपए, ठीक है, ये पड़ेगा यहाँ। तो यहाँ जब ड्यू करेंगे तो 6% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट तो 6% डिवेंचर से अकाउंट कितना है 20 की 2000 से गुणा करेंगे ये 40,000 होगा और ये भी 40,000 होगा। इसको जब रिसीव करेंगे तो किसके द्वारा रिसीव करेंगे, बैंक द्वारा, तो बैंक अकाउंट क्या करेंगे डेबिट टू 6% डिवेंचर कौन सी कॉल है ये फर्स्ट कॉल अकाउंट, नरेशन में लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी क्या कर ली हमने ड्यू, सॉरी रिसीव कर ली रिसीव्ड, ओके रिसीव्ड हो गई, कितने रुपए से रिसीव्ड हो गई, डेट बेटा यही रहेगी, अमाउंट डालेंगे और डेट भी डालेंगे, डेट तो वही रही, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 40,000 रुपए हमें लेना था लेकिन 12,000 तो हमने पहले ले लिया है, वो 600 पर एडवांस में मिला हुआ है 20 रुपए की दर से, तो 12,000 तो हम मिलेंगे नहीं, 12 नहीं मिलेंगे, 40 में से घटाएंगे तो बचेगा कितना 28,000, ये ले लेंगे 28,000 यहाँ पर भी 28,000, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ सिखा देते हैं बची हुई एंट्री कौन सी सेकेंड काल है, तो करेंगे 6% डिवेंचर सेकेंड एंड सब फाइनल लगा देंगे, फाइनल
काल अकाउंट डेबिट टू 6% लिखेंगे डिवेंचर्स अकाउंट, नरेशन में लिखेंगे बीइंग फाइनल कॉल मनी क्या दियो, ओके लाइन खींच देंगे, कितना लिख देंगे है? तो इसकी 2000 से 40 की मल्टीप्लाई करेंगे, 40 दूनी कितना होता है 80,000 और यहां पर भी कितना 80,000। जब इसको रिसीव्ड करेंगे तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, नरेशन में लिखेंगे बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड और लाइन खींच देंगे। अब देखो कितने मिलेंगे भैया, अब मिलेंगे यहां पर 4,24,000 तो हमको एडवांस में ही मिल गए थे, जो कि ये मिले हुए हैं, तो शेष 80,000 में से 24,000 को घटा दीजिएगा तो पता कितने मिलेंगे, ये मिलेंगे 56,000 रुपए। तो यहां पर कितना 56,000 और 56,000, ठीक है, यहाँ का जो पैसा है वो यहाँ पर मिल गया है। ठीक, चलिए यहां तक की तो काले हो गई है, लेकिन फाइनल काल की हम डेट और देख लें, डेट क्या है जो अंतिम याचना है 30 जून 2014 को दे थी, ठीक है, कब 30 जून 2014 वही डेट यहां पर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहां पर हमने 1 जनवरी को ही पैसा ले लिया, ठीक है, कौन कौन सा वाला उसका इंटरेस्ट निकलेगा, और इंटरेस्ट जो निकालते हैं वो रफ पर निकालते हैं, दो एंट्री होती हैं, तो पहले जब इंटरेस्ट की एंट्री ही करते हैं, ठीक है, देखिए करेंगे 6% डिवेंचर्स इंटरेस्ट ऑन एडवांस अकाउंट डेबिट, बहुत आगे तक एंट्री जाएगी, ये थोड़ी सी बड़ी एंट्री होती है, चलिए 6% डिवेंचर्स इंटरेस्ट ऑन एडवांस अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, ओके, नरेशन लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। देखो 6% डिवेंचर तो इशू किया ही है, उनका इंटरेस्ट मिल रहा है हमको एडवांस का, तो इसलिए जो खर्चा हमारा हो रहा है कंपनी का वो तो हम डेबिट कर रहे हैं, देंगे किसे डिवेंचर होल्डर्स के लिए, तो 6% डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, पेमेंट करोगे तो जो क्रेडिट है यानी 6% डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी बैंक से हम उनका पे कर देंगे, बीइंग पेमेंट डन, ओके लाइन खींच देंगे। और अमाउंट कैसे निकालोगे ये चीज समझने की है, देखो 1 जनवरी को ही हम एंट्री कर रहे हैं, जबकि ये जो पैसा लेना था हमको 1 अप्रैल को लेना था, तो हमने कितना पहले ले लिया, 1 अप्रैल की जगह पे 1 जनवरी ले लिया, पूरा जनवरी पहले ले लिया, फरवरी पहले ले लिया, मार्च पहला ले लिया, 3 महीने पहले ले लिए थे, इसके फर्स्ट काल के कितने हजार हैं 12,000 हैं, तो ऐसे लिखोगे 12,000 गुणा 3 महीने का मतलब 3/12 और ब्याज किस दर से 5% वार्षिक दिया जाएगा, तो 5/ कितना आ रहा है 100 आ रहा है, ठीक है, देखो 3 × 4 = 12, ठीक, 2 जीरो से 2 कट गए, 4 से काटेंगे 4 × 3 = 12, 30 × 5 कितना होता है 150, 150 तो इंटरेस्ट रहा किसका फर्स्ट कॉल का, ठीक, सेकेंड वाली कॉल का निकालो उसके 24,000 एडवांस है, तो ऐसे लिखो 24,000, ठीक, गुणे ये पैसा लेना था इनको 30 जून को और ले लिया कब 1 जनवरी को, 6 महीना पूरे पहले ले लिया, तो यहां पर 6/12 गुणे 5% 5/100, तो 2 जीरो से ये तो कट गया, 12 से काटेंगे 12 × 2 = 24, 20 × 5 = 100, 100 × 6 कितने होते हैं 600, और 600 ये और 150 ये कितना हो गया 750 हो गया, ये इंटरेस्ट आ गया, क्या है आंसर में एकदम सही है, तो यहां पर जो 750 यहां पर भी 750
यहां पर 750 और यहां पर भी 750, इस तरह से ये एंट्री हो चुकी है। बस लास्ट में आपको ये काम और करना है दोनों का, ठीक, जो टोटल है वो और कर देना है, ठीक है, समझ लो कि क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा सही हो जाएगा। ओके, तो इसके बाद में अगला क्वेश्चन कराते हैं, तुरंत इसे साफ कर दें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7वां कराते हैं, और जो 7वां क्वेश्चन है बहुत इजी है, ठीक है, और जो जनरल एंट्री है वो देखिए किस तरह से हम इसकी 7वें की सॉल्व करते हैं। तो आइए समझाते हैं आपके लिए। बर्मा लिमिटेड ने 100 रुपए वाले प्रत्येक 2009% ऋण पत्र 10% प्रीमियम पर निर्मित किए। कौन है? बरोल लिमिटेड है, 100 रुपए प्रत्येक वाले, ठीक, 2000 है, तो भैया यहां पर लिखेंगे 2000 कितने परसेंट है, 9% डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ जो है 9% वाले हैं 100 रुपए, ठीक है, प्लस 10% प्रीमियम यानी 110 में इशू किए हैं, ठीक है, जो इनको माना गया है 30 आवेदन 40 आवंटन प्रीमियम सहित और शेष प्रथम व अंतिम याचना पर देते। शेष जब वो कहे प्रथम और अंतिम तो दो नहीं हो गई, एक ही हो गई, ठीक है, वो प्रथम ही और अंतिम कहलाते हैं। तो 40, 30, 70 और 40 कितने होते हैं, 110 होते हैं, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है, 1600 अंशों के लिए आवेदन पत्र, सॉरी ऋण पत्रों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हो गए, सभी राशियां प्राप्त हो गई और रोज नामचंद प्रविष्टि कीजिए। तो जो 7वें नंबर पे हम यहाँ समझाना चाह रहे हैं आपके लिए, उसमें हुआ क्या है, हुआ ये है इसमें कि एप्लीकेशन जो आई है वो केवल 1600 के लिए आई है, तो यहाँ पर 1600 इतने ही हमारे बिक पाए, तो भाई हम इतना बेचना चाह रहे थे, इतने ही हमारे बिक पाए हैं, तो शेष जब हमारे बिके ही नहीं है ऋण पत्र, किसी ने परचेज ही नहीं किया, तो फिर कम वाले से ही काम चलाना पड़ेगा, तो 2000 से इसमें मतलब नहीं रहेगा, 1600 से मतलब रहेगा। ओके, और देखो किस तरह से इसकी क्या होगी, जर्नल एंट्री होगी। तो आइए समझाते हैं, कोई डेट इसमें दी हुई नहीं है। पहली एंट्री लिखेंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट, नरेशन में लिखेंगे बीइंग डिवेंचर्स एप्लीकेशन और एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीप्ट, यहां पर लाइन खींच दो, कितना 16 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 तीन कितने होते हैं 4800 और ये 48,000 हो गए, यहां पर भी हो गए कितने 48,000। अब ये 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% लिखेंगे डिवेंचर्स अकाउंट, कैपिटल की जगह पर डिवेंचर्स शब्द आता है, ठीक है, नरेशन लिखेंगे बी एप्लीकेशन मनी क्या कर दिया ट्रांसफर, ठीक है, लाइन खींच दो, अमाउंट लिखो 16 वही 48,000 है, तो 48,000 ही रहेंगे, यहां पर भी 48,000 रहेंगे। अब हमको कौन सी कॉल करना है, 40 रुपए, उसमें 10 रुपए क्या लगा है, प्रीमियम लगा हुआ है, ये बात बिल्कुल भूल ना जाना, यहां पर इस तरह से 10 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम लगा हुआ है, तो हम लिखेंगे यहां पर 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट और साथ में टू प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, यानी ऋण पत्रों के निर्गमन पर ये प्रीमियम है, तो टू प्रीमियम ऑन इश्यू आप डाल सकते हैं 9% डिवेंचर या डिवेंचर्स, ठीक है, नरेशन लिखेंगे वी अलॉटमेंट मनी ड्यू। ओके, और एंट्री दिखाएंगे किस तरह से दिखाएंगे कि जब हम 1600 का 40 रुपए के हिसाब से प्रीमियम जब अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हैं, तो 16 चौका कितना होता है 64, यानी यहां पर
64,064,000 दस रुपए हैं तो 16 और 10 के यहां पर करेंगे कितना 1600 10 रुपए 16,000 सोलह तीन कितने होते हैं 48,000 इसको क्या करेंगे रिसीव करेंगे किसके द्वारा बैंक द्वारा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट नरेशन कर देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ओके विद प्रीमियम लिखने की जरूरत नहीं होती वो प्रीमियम साथ में मिला ही होता है हम अमाउंट डालेंगे कितना 64,000 और यहां पर भी कितना 64,000 इसके बाद में हम कौन सी फर्स्ट क्वालिटी करेंगे तो लिखेंगे 9% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट सिंपली ड्यू हो जाएगी वीन लिखेंगे फर्स्ट कॉल मनी ड्यू अमाउंट लिखेंगे 40 की 16 चौका कितना होता है 64,000 और 64,000 जब इसे रिसीव करेंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट नरेशन बी फर्स्ट कॉल मनी क्या करेंगे रिसीव्ड कितना होगा 64,000 ठीक है सारा पैसा हमें मिल गया बाद में इनका क्या कर देना दोनों का टोटल कर देना है बस नीचे डबल लाइन ठीक टोटल करके और इस तरह से ये क्वेश्चन डन हो जाएगा ओके अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 7 था अब क्वेश्चन नंबर 8 है ठीक है ऋण पत्रों का अति अभिधान अति अभिधान का मतलब है कि इसमें तो हम 2000 जारी कर रहे थे हमारे कम बिके थे लेकिन जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या होगा ज्यादा बिक जाएंगे मतलब ज्यादा एप्लीकेशन आ जाएंगे ठीक है तो देखिए वो क्वेश्चन किस तरह से होगा यहाँ पर इस लाइन को यहाँ पहले हटाते हैं तभी देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है ये क्वेश्चन करा देते हैं आपके लिए मोदी टेक्सटाइल लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 3,010% ऋण पत्र निर्मित किए ठीक है 3,000 है इस बार 3,010% डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 वाला है और जो पैसे मांगे हैं वो किस हिसाब से मांगे हैं 25 रुपए आवेदन पर 30 रुपए आवंटन पर यानी 25 यहां 30 यहां 25 30 55 हो गया ठीक है और शेष कह रहा है मांग पे दे था ठीक तो बचा कितना 45 बचा ठीक वो मांग पे दे था ओके 5,000 अंशों अंबो ऋण पत्रों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए 3,000 की जगह पे एप्लीकेशन आ गई कितनी 5,000 ठीक है आवंटन निम्न प्रकार किया गया जब वो कहे निम्न प्रकार किया गया तो भाई क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ हो जाता है 2,000 ऋण पत्रों के आवेदकों को पूरा आवंटन किया गया इस तरह से लिखो यहां पर लिखो एप्लीकेशन यहां अलॉटमेंट ठीक है यहाँ पर बैलेंस यानी किसी का कोई बैलेंस रह गया वो कह रहे हैं 2,000 जिन्होंने एप्लीकेशन दी उनको 2,000 हमने दे दिए उनका कोई पैसा हमारे पास जमा नहीं रहा ठीक है आगे कह रहा है 1,500 ऋण पत्रों के आवेदकों को 1,000 ऋण पत्र दिए ठीक है जो 1,500 जिसने मांगे उनको हमने 1,000 दिए तो उनका बैलेंस हो गया एप्लीकेशन पे बैलेंस दिखता है यहाँ का ठीक है यानी 500 एप्लीकेशन का बैलेंस हो गया ठीक है शेष आवेदन पत्र रद्द कर दिए गए तो 2,350 कितने हो गए 1,535 हो गए तो 1,500 जो हो गए उनको कोई नहीं दिया गया इन 1,500 को रिजेक्ट कर दिया ठीक लेकिन इनको जब रिजेक्ट किया तो भैया इनका जो पैसा था ठीक है वो किस पे अलॉटमेंट पे ऑलरेडी जमा कर लिया होगा ठीक है और कुछ कह रहा है ऋण पत्र निर्माण पे 2,000 व्यय हुए ये मानते हुए याचना से समग्र धन प्राप्त हो गया कंपनी के रोज नामचा में प्रविष्टियां कीजिए ठीक है चलिए अब इस देखेंगे किस तरह से ये क्वेश्चन होगा यह हटा दो तीन ही काल इसमें है तो एंट्री तो मिलती जुलती आएंगी लेकिन थोड़ी सी चेंजेस होगी इसमें ठीक है
और काफी चेंजेस होगी, तो हम संभालते चलेंगे, समझाते चलेंगे। ठीक, देखिए एंट्री इसकी होगी पहली बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने है, ये 10% है। तो भैया अब लिखा जाएगा यहाँ पर 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, 5,000 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1,25,000 और 1,25,000। जब ट्रांसफर करेंगे तो 3,000 का करेंगे, लेकिन उसमें क्या हुआ है कि कई चीजें ऐसी हैं, इसको हटाना पड़ेगा यहां से। ठीक है, दूसरे तरीके से होगा ये। चलिए, जो क्रेडिट है उसे डेबिट करेंगे। देखो यहां पर लाइन खींच लो, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% जो ट्रांसफर होगा वो होगा डिवेंचर्स अकाउंट, टू डिवेंचर्स अकाउंट टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब आप सोचोगे अलॉटमेंट यहां क्यों आ रहा है, जो 1,000 दिए थे जिनके ये 500 पैसा एडवांस में है, इनको रिजेक्ट नहीं किया है, इनको वापस किया गया, इनका पैसा वापस किया गया, इनका कितना 25 रुपए की दर से गुणा होकर के, और इनका क्या कर लिया गया, एडजस्ट कर लिया गया। क्यों बता रहे कि 1,500 को 1,000 तो दे दिया, उनका 500 रह गया, उनसे कह दिया होगा अगले अलॉटमेंट का पैसा मत देना। ठीक, तो इनका पैसा हमारा एडवांस हो गया, तो इसलिए टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, जिसका वापस किया होगा टू बैंक अकाउंट, लिया भी बैंक से और दिया भी बैंक से, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड एंड एडजस्टेड, और लाइन खींच दो। ठीक है, चलिए देखिए किस तरह से होगा, जितना क्रेडिट में है उतना तो आएगा डेबिट में, 1,25,000। ठीक है, 3,000 जारी करते तो 25 कितने होते, 75,000 यहां जाते। ठीक, अब भी जाएंगे 75,000। अलॉटमेंट में कितना एडवांस मिल गया, 500 एप्लीकेशन है, वो भी कितनी, 25 रुपए की दर से, 25×125,20 यानी 12,000 कितनी, 500। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15×2 है। ठीक, तो 10 2 0 15×5 कितने होते हैं, 75, हासिल लगे 7, 15×2 30 और 7 कितने होते हैं, 37। इन तीनों का टोटल करोगे तो इसके बराबर आ जाएगा, और आ गया तो समझ लो सही है। क्या हुआ था इसमें, हम 3,000 जारी कर रहे थे, 3,000 की 25 से गुणा करेंगे, 75,000 कैपिटल में जाता, यानी जो डिवेंचर अकाउंट उसमें जाता, अब भी जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में ये डिवेंचर अलॉटमेंट में एडवांस हो गए और बैंक द्वारा वापस हो गए। अब अगली जो कॉल होती है वो किसकी होती है, डिवेंचर अलॉटमेंट को ड्यू करने की, लेकिन 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% लिखेंगे डिवेंचर्स अकाउंट, नरेशन लिखेंगे वी अलॉटमेंट मनी क्या ड्यू, ओके ड्यू करके लाइन खींच लो, 3,000 से 30 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 90,000, और कितना हो जाएगा, 90,000 जब इसको प्राप्त करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो देखो 90,000 में से हमको 12,500 तो पहले ही मिल चुका है जो एडवांस में है, वो अब हमें क्यों मिलेगा, तो 90,000 में से 12,500 तो ये मिलेंगे नहीं, तो मिलेंगे कितने, 77,500। और 77,500 जब हम 9% सॉरी अब तो यहाँ 10% चल रहा है, 10% डिवेंचर फर्स्ट काल अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर से अकाउंट है, तो यहाँ 10% ही कर लो। ठीक है, फर्स्ट काल ड्यू करेंगे 3/45 से करेंगे। ठीक है, तो देखो 3 0 लग जाएंगे, 1 2 3, ठीक, 3×15 = 5, 3×4 = 12, और 1 13, 1,35,000, 1,35,000। यहाँ एडवांस एडवांस का कोई चक्कर है ही नहीं, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू सीधे 10% डिवेंचर फर्स्ट काल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल भी लिख सकते हो, 1,35,000 और 1,35,000, बाद में दोनों का क्या हो जाएगा, टोटल। ठीक है, और क्वेश्चन इस तरह से ये 3 सॉल्व हुए, और जो क्वेश्चंस हैं मैंने कोई भी स्किप नहीं किया है, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से कराए हैं, तो कैसा लगा ये जरूर बताना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।